उच्च शिक्षा का श्रेष्ठ स्थान, सृजनात्मकता यहाँ की पहचान। रावत पीजी गर्ल्स कॉलेज, कन्नी विहार, कीरापुरा, अजमेर रोड। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएएमकॉम, एमएससी, बीएड, बीएसटीसी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। एडमिशन्स ओपन फॉर 2020-21। विजिट रावत गर्ल्स कॉलेज। अब स्वाद में मजा हो तो खाना लगे लाजवाब। सारा स्पाइसेस ले आया है आपके लिए 100% नेचुरल मसाले। कुछ ऐसे मसाले जिनके बिना आपका किचन रहे सूना, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, बनाए आपके खाने को चटपटा और सुगंधित। आज ही ले आइए सारा स्पाइसेस के प्रोडक्ट्स। सारा स्पाइसेस, अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। जन एक राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के तहत सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने पुलिस सेवा के अधिकारियों की यानी राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारियों की भर्ती के संबंध में जानना चाहा सरकार से, आरपीएससी से, कि वस्तु स्थिति की रिपोर्ट कीजिए शपथ पत्र देकर के। तो सरकार ने तो कहा कि हमने राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती प्रारंभ कर दी है, हमारी एक परीक्षा हो गई और अंतिम परीक्षा हमारी निश्चित तारीख बताई उन्होंने 8 तारीख संभवतः वो होने वाली है। दूसरी तरफ आरपीएससी ने जो शपथ पत्र दिया है उन्होंने कहा है कि हमें अभी भर्ती करने की सिफारिश ही नहीं मिली है तो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसे साफ जाहिर है कि राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भी गुमराह भ्रमित कर रही है। और ये क्योंकि आरपीएससी मेरी तो संस्था है नहीं, ये तो राजस्थान सरकार की अधीन एक तरह से स्वायत्त संस्था है, तो जो ये राजस्थान हाई कोर्ट को भ्रमित कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, तो राजस्थान की जनता की तो बेचारी की क्या बिसात है। इसीलिए तो कई प्रकार के झूठ बोल करके और लोगों को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों का, माननीय विधायकों का, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का वेतन कटौती का निर्णय किया है। फिर जहाँ तक तो ठीक है कि इनको जनता के सेवा के लिए लगाएं, कोरोना बीमारी को फैलने से रोकने के लिए लगाएं, जहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पिछली बार भी इन्होंने जो ही कोरोना प्रारंभ हुआ मुख्यमंत्री सहायता कोष में जनता से दान मांगा, जनता ने दिल खोल करके करोड़ों रुपये, अरबों रुपये दिए। इन्होंने माननीय विधायकों का, माननीय मंत्रियों का, अधिकारी कर्मचारियों से भी वेतन की कटौती की, उन्होंने भी सहर्ष दिया, लेकिन जो पैसा खर्च कहाँ किया इन्होंने, मौज मस्ती करने में, बाड़ेबंदी करने में, और रमजान के पर्व में इन्होंने कई प्रकार के व्यंजन परोसने में, खजूर परोसने में, रसमलाई खिलाने में और जमातियों को 700-700 रुपये की थाली परोसने में खर्च किया है। इसी तरह खर्च करना है तो मैं समझता हूँ इसका विरोध होना ही चाहिए, और इसीलिए जनता भी जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि पहले आपने मौज मस्ती में खर्च किया है, बाड़ेबंदी में खर्च किया है, जमातियों के 700-700 रुपये की थाली भोजन खिलाने में खर्च किया है, और आपने रमजान के पर्व में के समय रसमलाई, रसगुल्ले, खजूर, दूध, दही इसमें खर्च किया है। दूसरी तरफ आपने हिंदुओं का अपमान भी किया क्योंकि उसी समय हिंदुओं का उपासना पर्व नवरात्रि भी आया था, दुर्गाष्टमी भी आई थी, रामनवमी भी आई थी, चेटी चंडी भी आई थी, उनसे तो आपने नहीं पूछा कि आप को देखो ये कांग्रेस के लोग दो मुंह लोग हैं, यहाँ क्या कहते हैं वहाँ क्या कहते हैं, इनकी बात पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। हालांकि हमने भी कहा था कि आप प्रश्नकाल होना चाहिए, तो इनके नेताओं ने कहा कि कोरोना काल है और इसलिए जो आवश्यक काम है वही निपटाएंगे, क्योंकि दिल्ली के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, परंतु जब कोरोना काल यहाँ है तो क्या लोकसभा चल रही थी कोरोना काल नहीं होगा क्या? वहाँ भी जिस प्रकार से आपने सोच करके किया होगा उसी प्रकार से वहाँ केंद्र ने भी या लोकसभा ने भी सोच करके निर्णय किया होगा। तो संसदीय कार्यवाही का समय उतना ही कोरोना को देखते हुए देखो हमारा 31 तारीख का भी कार्यक्रम था, सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी को अपवाद कहीं हो गया तो मैं उसकी नहीं कर सकता हूँ, सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी ने
अपने कार्यक्रम और कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 50 लोगों से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि मैं 3 जगह खुद गया था और हमने 2-2 गज की दूरी पर खड़ा रखा है और सबको मास्क लगे हुए थे। परंतु यहाँ तो आप बात कर रहे हैं इनकी, यहाँ तो जो अभी मुहर्रम निकले ना उस पर 5,000, 3,000, 8,000, 10,000 लोग थे, उन पर कार्रवाई नहीं की और छोटे छोटे मामलों में छोटे छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। इसलिए साफ जाहिर है कि कांग्रेस तो कोरोना फैलाना ही चाहती है और इसीलिए तो इनके कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की ये कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा भी है कि यदि आप वास्तव में कोरोना के खिलाफ हैं, ये नहीं फैलना चाहिए, तो जो लोग कोरोना फैलाने के लिए अभी मुहर्रम के समय में इन्होंने बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर जुलूस निकाले जहाँ न तो मास्क लगाया और नहीं गाइडलाइंस की पालना की, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको जेलों में डालिए। नहीं तो पूरी जनता ये समझ रही है कि आप राजस्थान की जनता को मारने के लिए, बीमार करने के लिए आप कांग्रेस और ये मुहर्रम निकालने वाले लोग और अन्य लोग मिलकर किस राजस्थान की जनता को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। नहीं, आप क्या है कि लोकसभा के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा क्षेत्र भी नहीं है और मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला भी नहीं है। क्या है कि लोकसभा के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा क्षेत्र भी नहीं है और मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला भी नहीं है। देखो क्योंकि हमने रोक ही रखे थे पर जब अति हो गई और जनता इतनी परेशान हो गई और सिर से पानी जब निकल गया है तो हमको रिस्क लेकर भी जनता के बीच में जाना पड़ा है। लेकिन हमने कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना की है, पर पूरी तरह से जनता को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना।